हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छह माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देव उठनी एकादशी पर चौक मारने की बहुत ही सरल विधि। इसके लिए मैंने चावल को पीस करके चावल का घोल बना लिया है और देव उठनी एकादशी पर चावल के आटे से ही चौक मारा जाता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि का और देव उठनी एकादशी की पूजा सामग्री का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सीधी सीधी चार लाइनें कर ली हैं। चावल के आटे से जब हम चौक मारते हैं तो थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, लेकिन सूख जाने के बाद ये चावल के आटे का घोल जो है वो बहुत ही डार्क हो जाता है और बहुत ही सफ़ेद रंग निकल के आता है। तो इस प्रकार से हमें चार चार सीधी लाइनें करनी हैं चारों ओर। देव उठनी एकादशी का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इस दिन सभी घरों में देव उठाए जाते हैं और इसी दिन से शादी विवाह जैसे शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं और इसी दिन से विष्णु भगवान षष्ठी का कार्यभार भी संभालने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग यह भी जरूर बताइएगा। जब आप चौक पूरा बना लेंगे तब आपको इस प्रकार से एक ओखली बनानी है। ओखली का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। पहले सभी घरों में ओखली होती थी जिसमें धान कूटे जाते थे, दालें कूटी जाती थी, कई प्रकार के अनाज कूटे जाते थे, लेकिन अब ओखली होती नहीं है घरों में। तो आप इस प्रकार से ओखली बना सकते हैं, इससे हमारा घर धन धान से परिपूर्ण रहता है, इसीलिए यह ओखली बनाई जाती है। इस प्रकार से हमें ओखली बनानी है।